मोदी जी की तमाम कामों से देश को बहुत मजबूती मिली, आप बता रहे हैं, और वो तमाम चीजें आप लोगों तक पहुंचा भी रहे हैं। लेकिन आप सिंह जी, हम हरियाणा में बहुत से बदलाव देख रहे हैं आजकल। सीएम हाउस के दरवाजे खोल दिए गए हैं, आप कह रहे हैं वहां मंजे बिछा देंगे। कभी हम देखते हैं हमारे सीएम को कोई कार्यकर्ता मिलने आता है तो हाथ मिला के गले लगा लेते हैं, कोई फोटो खींचना चाहता है तो फोन हाथ में लेके सेल्फी ले लेते हैं। नहीं, देखिए, लोगों का जो स्नेह, जो प्यार है, और हरियाणा के अंदर जबरदस्त काम वो हमारी सरकार ने किए हैं, उन कामों को बढ़ाने का जिम्मा मुझे मिला है, उन कामों को और आगे बढ़ाएंगे। लोगों में एक इतना बड़ा विश्वास जगा है इस सरकार के प्रति कि आज बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार मिल रहा है, आज ऑनलाइन ट्रांसफर हो रही है, घर बैठे ट्रांसफर हो रही है, उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ रही किसी विधायक के पास, किसी मंत्री के पास या सेक्रेटरिएट के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, उसको घर बैठे ही ऑनलाइन ट्रांसफर वो भर देता है और एक बटन से ट्रांसफर हो जाती है। ये सिस्टम का जो सुधार किया है, इस सिस्टम का हरियाणा को लाभ मिल रहा, आने वाले लंबे समय के अंदर इसका बड़ा लाभ हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिलने वाला है। और मैं, क्योंकि लोगों का इतना जो प्यार है और वो आते हैं, मतलब ऐसा लगता है हक है आपके ऊपर। नहीं, बिल्कुल, देखिए, जब मैं पार्टी ने अध्यक्ष बनाया था तो मैंने से तब भी आपको एक इंटरव्यू दिया था, उसके अंदर बताया था कि लोगों का इतना स्नेह और प्यार मिलता है कि देखिए, मेरी अपनी इच्छा रहती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमपिता परमात्मा ने ये जीवन दिया है और ये जीवन लोगों के लिए होना चाहिए। जब सेवा का एक भाव दिया है तो मेरे मन के अंदर है कि मेरे एक फोन करने से अगर किसी का भला होता है तो वो कर देना चाहिए। मैं उस सोच के आधार के ऊपर काम करता हूँ और मैं इसीलिए बोलता हूँ कि कोई भी आइए, हमारे विधायक हैं, हमारे अन्य और पदाधिकारी हैं, वहाँ पर भी एक पार्टी का बड़ा सिस्टम है, वो चंडीगढ़ नहीं आ सकते, वहाँ पर हमारे विधायक बात सुनते हैं, हमारे सांसद बात सुनते हैं, हमारे पार्टी के पदाधिकारी बात सुनते हैं, ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो। और मैंने कहा कि अगर आपको कोई इमरजेंसी पड़ती है तो आप मेरे को भी आके मिल सकते हैं डायरेक्ट, कोई आपका ऐसा काम है कि वहाँ नहीं हो रहा है तो मेरे से कोई काम है तो उसके अंदर हम जितनी भी हेल्प हमारे से है वो उतनी हेल्प हम करेंगे, एक संविधान के दायरे के अंदर रह करके, उससे बाहर, क्योंकि हमारी ये सोच है कि उससे बाहर ना जाया जाए, और संविधान के दायरे में रह करके अगर किसी का कोई कोर्ट का मामला है तो कोर्ट से ही उसका समाधान होगा, उससे तो हमारे से समाधान नहीं होगा। हम उसको बताते भी हैं और उसको बोलते भी हैं और लोग उस बात के ऊपर उसको फॉलो करते हैं कि ये ठीक है, परंतु कभी भी कोई व्यक्ति आए किसी के साथ, अगर किसी को लगता है कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही, तो हमने कहा है कि आप आइए, आ भी रहे हैं और उनकी बातों को हम सुन भी रहे हैं। तो अच्छा लगता है जब तमाम लोग इस तरीके से आते हैं, मिलते हैं और हक से अपनी बात अपने सीएम के सामने रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगता है और उनकी बात को सुन करके हम निरंतर ये प्रयास रहता है कि उनकी बातों का समाधान किया जाए और कर भी रहे। लेकिन सुबह बहुत जल्दी आप काम शुरू कर देते हैं और रात तक, देर रात तक मीटिंग्स आपकी चलती रहती हैं, तो आराम करने का समय कितना मिलता है और कर पाते हैं? देखिए, क्योंकि जब ये जिम्मेवारी दी है तो मैंने कहा है कि हरियाणा प्रदेश के लोगों का जो आशीर्वाद है, जो सहयोग है, हमारे पार्टी के उच्च नेतृत्व का जो आशीर्वाद है, सहयोग है, क्योंकि उसी ताकत के ऊपर मैं काम करता हूँ। लोगों को जितना भला हो सके वो करना चाहिए, और हमारी सरकार की एक नीति रही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भी और मनोहर लाल जी की, कि जीरो टॉलरेंस के ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के सरकार काम करती है और किसी प्रकार का कोई भी ये नहीं है, अगर कहीं पर होता है उसको सख्ताई से लेने का काम करती है। और इन सब बातों का, जितने काम किए हैं, इन बातों का परिणाम ये है कि हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा की सीटें, करनाल की विधानसभा की सीट, 11 कमल के फूल खिल करके वो 10 नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगे, करनाल के लोग 1 कमल का फूल चंडीगढ़ लेकर के जाएंगे, तो उसको लेकर के आज लोगों में जो उत्साह, जो जोश आज मैं देख रहा हूँ, और लोग जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित है और जिस प्रकार से हरियाणा में जो योजनाएं, नीतियां बनी उनसे प्रभावित है, लोगों में ये पहली बार ऐसा महसूस हुआ है कि ये सरकार, ये हमारी सरकार है, ये काम करने वाली सरकार है, ये देश को आगे बढ़ाने वाली सरकार है,
देश की समस्याओं का समाधान करने वाली सरकार है, उसको लेकर के ये हमारी सरकार काम कर रही है। और आने वाले समय के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मार्जिन से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम ये हरियाणा के लोग करेंगे।